पिछले जांच में हमारा चैप्टर नंबर जो 20 था, धरती की शान, जिस काव्य के बारे में हमने अध्ययन किया था, और आज हमारा जो आगे का चैप्टर है जिसका नाम यानी कि चैप्टर नंबर 21, क्रांतिकारी शेखर का बचपन नाम का एक उपन्यास अंश है जिसका सर्जक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अग्गे उपनाम से जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना लेखन कार्य किया है। तो सबसे पहले ये जो उपन्यास अंश, उपन्यास किसे कहा जाता है वह जानकारी हमें प्राप्त कर लेना जरूरी है। ये जो गद्य साहित्य के क्षेत्र में यानी कि ये जो एक गद्य है, पर गद्य में जिस प्रकार हम निबंध हो, नाटक हो, कहानी है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, इन सभी साहित्यिक जो विद्याएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गद्य साहित्य का स्वरूप कहते हैं, यानी कि गद्य साहित्य के अंतर्गत उसे रख देते हैं। तो एक उपन्यास का अंश है जो दोस्तों हमारी मातृभाषा में जिस प्रकार हम नवल कथा जिन्हें अपने लंबी वार्ता तरीके ओळखीए छीए, तो गुजराती की इसी प्रकार की ये जो नवल कथा है, जो लंबी कहानी है, उसी प्रकार का ये उपन्यास एक साहित्य का स्वरूप है जिसमें जीवन की आरंभ से लेकर अंत तक की विस्तार पूर्वक की कथा बात उपन्यास में कही जाती है। जो उपन्यास अज्ञेय जी का प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जिसमें से एक उपन्यास का एक छोटा सा भाग, एक खंड हमारे प्रस्तुत प्रकरण में लेखक ने यहाँ पर हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो ये जो उपन्यास है जिसमें हम कि भाई हमारा देश जब अंग्रेजों की गुलामी में था, यानी कि हमारा देश परतंत्र था, उसी समय के दौरान सन 1940 में भारत को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ा था। मतलब अंग्रेजों की जो नीति रीति है, अंग्रेजों की जो अपनी खुद के जो मनसूबे हैं उनमें असहयोग करने के लिए यानी कि सहयोग न देने के लिए आंदोलन छेड़ा गया था, और जिस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन ऐसा गांधी जी ने नाम दिया गया। तो सन 1940 में गांधी जी ने देश में जो एक असहयोग आंदोलन का आरंभ किया और स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा था, यानी कि भारत को आजाद करवाने का जो स्वदेशी आंदोलन भी उसका एक भाग था, यानी कि उसका एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना था, यानी कि ये जो आंदोलन था उसका मुख्य प्रमुख जो लक्ष्य था, प्रमुख जो ध्येय था, एम था, वह क्या था, विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना, यानी कि विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। इस पाठ में जो बालक शेखर है, शेखर पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था और पाठ में उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यानी कि ये जो असहकार आंदोलन में उसमें एक किशोर अवस्था यानी कि 10-11 साल की आयु का एक जो शेखर नाम का बालक था उस पर इसी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण उन्होंने अपने घर में ही, क्योंकि
ये जो शेखर था वह ऐसे परिवार में रहने वाला था जिसके पिता अंग्रेजों की नौकरी करते थे। एक ख्यातनाम वकील थे, घर में नौकर चाकर रहते थे। उसके घर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ईसाई या तो अंग्रेजी मिशनरी उसके घर में काम करते थे। सारा परिवार का वातावरण माहौल एक विदेशी भाषा के प्रभाव से पल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो शेखर का बचपन गुजर रहा था और उसकी परवरिश भी ऐसी स्थिति में अंग्रेजी भाषा की बोलबाला में परिवेश में हुई थी, अर्थात कि उसके घर में सभी लोग माता पिता भाई बहन सभी लोग अंग्रेजी ही बोलते थे। बचपन से ही शेखर को भी अंग्रेजी सिखाई गई थी, सिखाई जाती थी। उसके घर में पढ़ाने वाले आने वाले गुरु जो थे, शिक्षक जो थे, वह भी उसे अंग्रेजी में ही पढ़ाते थे। और उसी घर में सभी लोग अंग्रेजों के जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्तुएं थी, उन सभी वस्तुओं का वह इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। और ऐसी स्थिति में एक गांधी जी ने जो ये आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, स्थिति में ये बालक जो शेखर था वह उन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने एक दिन अपने घर में, अपनी माँ अकेली थी, कहीं कोठरी पर बैठी थी, उसी वक्त घर में से सारी जगह पर जो अपने घर में जो कुछ विदेशी कपड़े थे वह सभी विदेशी कपड़े इकट्ठे करके एक ढेर किया और इन सभी कपड़ों को उन्होंने जला दिया। बाद में शेखर को अपने इसी स्वदेशी स्वाभिमान जगाने का उन्हें सजा के रूप में अपनी माँ के द्वारा तमाचा भी पड़ता है। तो इसी प्रकार का एक जुस्सा, एक स्वाभिमान बालक अवस्था से ही शेखर के मन में जो सवार हो गया था, क्योंकि वह बाहर आंदोलन में जुड़ तो नहीं सकते थे, क्योंकि अपने घर से बाहर निकलने से परिवार अंग्रेजी भाषा से यानी कि अंग्रेज सरकार से प्रभावित हुए थे। इसलिए शेखर पर नियंत्रण था, अंकुश था, वह बाहर निकलकर आंदोलन में जुड़ नहीं सकते थे। अपने घर की छत पर चढ़कर वह आंदोलन में जो नारेबाजी चल रही थी वह नारेबाजी केवल सुनते थे। इसी समय गांधी जी ने जो नारा दिया था, यही नारा जो लोग बोलते थे कि भाई गांधी की बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला, तो यही नारा सुनकर अपने हृदय में एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्वेषों के खिलाफ एक ज्वाला भभक उठती है और उसका स्वाभिमान जाग उठता है। और इसी प्रकार से शेखर की ये किशोरावस्था से यानी कि बालक अवस्था से ही स्वाभिमान जाग उठता है। तो यही बात यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत लेख में लेखक ने प्रस्तुत किया। तो ये जो उपन्यास का अंश सुंदर तरीके से लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तो उसका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करें। उनसे पहले दोस्तों हम ये जो पाठ है यानी कि ये जो लेख है उसका हम सबसे पहले लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वाच्य जिसका हम पहले परिचय प्राप्त कर ले, उसके बाद हम विस्तार पूर्वक ये जो पाठ है, ये जो चैप्टर है जिसका हम अध्ययन करें। तो सच्चिदानंद हीरानंद वाच्य जन्म सन 1911, निधन सन 1987। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रधान उल्लेखनीय है। अर्थात आधुनिक हिंदी युग के जो साहित्यकार हैं, जिसमें
गद्य और पद्य दोनों विभाग में साहित्यकार के रूप में एक चर्चित विख्यात उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम प्रसिद्ध है, यानी कि विख्यात है। अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय। उसका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा कुशीनगर में हुआ, यानी कि अज्ञेय जी का जन्म 9 मार्च 1911 में हुआ था। बचपन का यानी कि 1911 से 15 तक का समय लखनऊ में बीता, यानी कि जो 5 साल 1911 से 15 तक का जो समय से उनका जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में गए, त्यार पछी थोड़ा समय माटे ते वो जम्मू और श्रीनगर में अंदर रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में के संपादन उत्तीर्ण किया, यानी कि उन्होंने लाहौर से जो बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में यानी कि फर्स्ट क्लास में उन्होंने पास की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार भी रहना पड़ा, यानी कि उसी समय अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी दल में भाग लेने के कारण उन्हें कारागार यानी कि जेलवास भी भुगतना पड़ा। साथ ही उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया, साथ ही सैनिक विशाल भारत का उन्होंने संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया, यानी कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उन्होंने भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के अध्यापक प्रोफेसर यानी कि एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने काम भी किया। साथ अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे, विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना यानी कि विरोध विद्रोह, एक विद्रोही व्यक्ति रही है उनके साहित्य में मूल स्वरूप विद्रोही विचार हमें देखने को मिलता है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना, यानी कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जिसके बाद अज्ञेय जी का ये शेखर एक जीवनी जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे, लेकिन ये सिवाय शेखर जी ने ये शेखर एक जीवनी सिवाय नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास भी लिखे, यानी कि कुल मिलाकर अज्ञेय जी ने यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने 3 उपन्यास लिखे और वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि हिंदी साहित्य में इधर प्रयोगवादी प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कार किया, यानी कि अज्ञेय जी को जो कविता काव्य कृति साहित्य में उन्हें आंगन के पार द्वार जिस कृति पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। और कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर उन्हें ज्ञानपीठ नाम का जो मूल्यवान पुरस्कार भी अज्ञेय जी को प्राप्त हुआ था। और साथ ही भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर, क्षण भर, बावरा अहेरी, अरे वो करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया गया, यानी कि तार सप्तक का कवि जो 7 कवियों के समूह का एक पुस्तक साहित्य जगत में हिंदी में बना था, जिसका भी अज्ञेय जी ने संपादन कार्य किया है। साथ ही क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग एक कहां से, यानी कि ये जो उपन्यास है यहाँ पर दिया गया क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो शेखर एक जीवनी लेखक का उपन्यास है भाग एक, जिसमें से ये प्रसंग ये भाग यहाँ
पर हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है। और साथ ही यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था, अर्थात आ उपन्यास ईस्वी सन 1940 के अंदर लिखवामां आव्यो हतो। बचपन से लेकर जीवन तक के जीवन चरित्र विचित्र, यानी कि क्या रीते बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है, ठीक है, बालपण थी लेने कॉलेज जीवन सुधी नो जीवन चरित्र आनी अंदर आपवामां आवेलुं छे। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज से लक्षित है, એટલે કે ભઈ શેખર નું જે જીવન દર્શન છે સ્વતંત્રતા ની ખોજ પર આધારિત છે। લીલ પર ચલને વાલા નહીં, યાની કે શેખર કા બચપન ક્રાંતિકારી વિચારો સે અભિભૂત થા। જો મેને આપકો પ્રસ્તાવના મે પહેલે આપકો બતાયા ઉસી પ્રકાર વહ યહાં પર वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का साहस था, यानी कि बचपन से ही जो शेखर था वह ब्रिटिश चीजों यानी कि विदेशी चीजों का वह जबरदस्त विरोधी था। और साथ ही जो अपनी स्वदेशी जो चीजें थी वह स्वदेशी चीजों का वह बड़ा चाहक। तो इसी प्रकार इस उपन्यास में अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के इसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित किया गया है, यानी कि अंग्रेजी की उपेक्षा करके उन्होंने हिंदी की जो राष्ट्रभाषा के उपयोग से जो खुद के परिवार के सभ्यों को भी वो नाराजगी लेकर के उन्हें उनका विरोध करके उसका सामना करने का प्रयास करना पड़ा था, वह एक बचपन से ही उनके हृदय में जो देश प्रेम स्वाभिमान शेखर के चरित्र में हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार अब इस एक उपन्यास का हम पढ़ने का आरंभ करें तो आरंभ में सबसे पहले असहयोग की एक लहर आई और देश में वह गया, यानी कि ये समय दरमियान असहयोग ने एक लहर आई और सारा का सारा देश इसी लहर में बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जय जब नहीं वह बह पाया तब हाथों में कहकर अपने को बहाने लगा, अर्थात जो स्वाभिमान की जो उसी लहर थी वह लहर जो असहयोगी लहर आई और सारा देश वही लहर में बह जाता है, शेखर भी उसमें बहना चाहता था पर वह बह नहीं पाया क्योंकि उन्होंने कोशिशें की चेष्टा की पर वह उस लहर में बह नहीं पाता है क्योंकि उसके अपने घर में अपने परिवार में उस पर नियंत्रण था क्योंकि अपना जो परिवार था अपना खुद का जो परिवार के सदस्य विदेशी चाहत थे, विदेशी चीज वस्तुओं का इस्तेमाल अपने परिवार में अपने घर में होता रहता था और उन्हीं का सबसे पहले उन्हें अंग्रेजों का विरोध तो दूर की बात है बाद की बात है पर पहले तो उसे अपने परिवार में माता पिता और परिवारजनों की नाराजगी उसे सहन करनी थी। फिर भी उन्होंने कोशिश की चेष्टा की और अपने आप दबकर भी परिवारजनों के नियंत्रण में भी वह उसमें बहने का प्रयास करने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो दो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगे। पर ये क्या हुआ कि शेखर ने अपने जो विदेशी कपड़े पहने थे वह विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए और उनके पास दो चार जो स्वदेशी यानी कि देसी कपड़े थे वह उसके बराबर नाप के नहीं थे, फिर भी उन्होंने थोड़े मोटे थे वह भी उन्होंने पहनकर यानी कि वह पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, वे बाहर दूसरों को मिलना
घूमने जाना, ये सब उन्होंने छोड़ दिया। और साथ ही क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे, और साथ ही उसके पास इतने देसी कपड़े नहीं थे कि वह बाहर जा सके। प्राय दोपहर को वह ऊपर की तरफ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब धूप से कंठों का संवेद पुकार पुस्तक होती, संवेद यानी कि सामूहिक। क्या करता है शेखर कि भाई उसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, वह बाहर जा नहीं सकते थे, कोई किसी को मिल नहीं सकते थे, और वह अपने घर पर रहकर ही क्या करते थे, अपने घर के आगे की जो खिड़की पर आकर वह खड़ा हो जाता है और बाहर का जो दृश्य आंदोलनकारी जो होते थे उसे वह देखा करते थे। और कभी दूर से जो बहुत से कंठों से संवेद पुकार होते थे, दूर दूर से जो समूह होता है, जो सामूहिक लोगों की जो पुकार आती थी, पुकार आवाज आती थी, वह उसे सुनता था। और वही पुकार इसी नारा था जो असहयोग में लोगों ने पुकार देते थे, गांधी का बोल बोला दुश्मन का मुंह काला। अर्थात गांधी जी ने बोल पाला अने दुश्मनों नु, तो तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह होता। ऐसा नारा सुनकर जो छोटा एक किशोर जो शेखर है उसका मन पुलकित हो उठता, आनंदित हो उठता, यानी कि पुलकित तो प्रसन्नता। गांधी का बोल वाला दुश्मन का मुंह काला। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर हम पार्ट वन यहाँ तक रखते हैं, और अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो लेक्चर दोस्तों, अब आपकी जो स्कूल पहली फरवरी से खुलने वाली, और अब ये जो वीडियो लेक्चर आपका अंतिम वीडियो लेक्चर होगा, सोमवार से आप स्कूल में प्रत्यक्ष आप हो सकेंगे, तब हम हमारा अभ्यास लाइव क्लास में शुरू